महीना के बिगा तो बिगा नहीं है। आप लोग भी रात में जागते हैं? सब उपाय जागर नान नान लड़का जब जागा तो आफत मच जाते हैं। हाँ। है तो लड़का नहीं जगी है कि हम तो रघुवापुर गांव में है इस वक्त मौजूद और लगातार जो है नोटिसों का जो है चस्पाना और मटमैला गैंग के द्वारा जिस तरीके से गांव में नोटिस लगा दी जाती है और लगातार गांव में एक माहौल सा बना हुआ है कि कहीं चोर ना आ जाएं, तो रात भर लोग पहरा भी देते हैं। लेकिन इस गांव में ऐसा माहौल था कि एक बार नोटिस लगाई गई और दोबारा फिर नोटिस लगाई गई। क्या नाम है आपका दादा? हमारा नाम खगेश्वर रघुवापुर। रघुवापुर है गांव। नोटिस कितने दिन पहले लगी थी? आज लगी हुई है, चार पाँच दिन। पहले नोटिस लगी थी उसमें क्या लिखा गया था? अब इतना हम पढ़े लिखे तो हमने देखे नहीं, कुछ जानकारी होगा कि उसमें क्या लिखा गया है? हमका यू जानकारी नहीं है कि हाँ। का लिखा का ना नहीं लिखा, मन पड़ गमार। हाँ। लेकिन यू है कि लिखा रहा है, लागी रहा है नोटिस। अच्छा, ये कहाँ पे लगी थी? गांव देखी है सामने, खम्भे में। खम्भे में लागी रहा है, फिर दोबारा फिर लगा दी और फिर दोबारा लगाई गई है जो पार बढ़ गए। दोबारा कितने दिन बाद लगी? आज तुम्हारे लाग गए तीसरे दिन कलम सम, मतलब दोबारा फिर लगी, एक बार लगी नोटिस फिर दोबारा लगा, फिर दोबारा लगी। तो यहाँ पे नोटिस लगी थी और दोबारा फिर लगा दी गई, लेकिन जो है भाई साहब को कहीं ना कहीं डर है कि हमारे पिता को, अगर हमारे पिता बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं। अच्छा ये बताइए, हम लोग मीडिया वाले तो क्या हम लोगों को आ जाएगा मार देंगे क्या? आप अगर हम लोग आप लोगों की आवाज नहीं उठाएंगे, अगर कहीं कल घटना हो जाए तब क्या करेंगे? उठाना जरूरी है, जरूरी है। अगर कल मेरे पिताजी कल आप घर में अगर चोरी हो जाए तब क्या करोगे? एक मिनट मैम, मेरे पिताजी कुछ समझे तभी आपके सामने खड़े हुए, खड़े हुए कि नहीं? लेकिन हमें डर लग रहा है, तो इसलिए हमने कहा बात कीजिए। अच्छा, जब डर लगा रहता है, डर लगा रहता है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपके घर में चोरी होगी तब क्या करेंगे? अरे तो क्या करेंगे, कहने जाएंगे पुलिस को कहेंगे या फिर मीडिया से बोलेंगे? हाँ बोलेंगे। लेकिन अभी जो है डर का माहौल तो बना है, क्योंकि ऐसी जब नोटिस लगती है तो कहीं ना कहीं डर का माहौल रहता है। अगले लोगों से बयान इतना डरे हैं कि बाप पिताजी को बोलने नहीं दे रहे हैं, जाहिर सी बात है। अच्छा भैया बताइए, नोटिस वाकई में लगी थी क्या? कहीं मजाक कोई तो नहीं? ना मजाक नहीं, नोटिस लगी रहा। क्या कुछ लिखा था उसमें, कुछ जानकारी है कि क्या? मैं जो लिखा रहा है सब पढ़त रहा हूँ, पढ़े नहीं रहा, पढ़ नहीं पाई थे, लेकिन सुना तो होगा। हाँ, 7 लाख रुपया वहाँ लिखे रहा, दे दो मोहम्मदाबाद में दे जाओ, है कोनो नेशनल बना अस्पताल के सामने। अच्छा, मतलब उसमें डिटेल भी लिखा था कि वहाँ फला जगह पैसा देना है। हाँ, पैसा देना, 7 लाख रुपए मांगा था। हाँ, 7 लाख रुपया। फिर दोबारा जब नोटिस लगी उसमें क्या लिखा था? वो हम लिखा रहा 7 लाख दे जाओ। पहले जब नोटिस लगी थी तब वहाँ खाली पता नहीं लिखा रहा, खाली रुपया लिखे रहा 7 लाख। अच्छा, जो पहले नोटिस लगी थी उसमें 7 लाख रुपए की डिमांड की थी, कौन सी गैंग से लिखा था? गैंग कोई कुमा कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं लिखा है। फिर उसके बाद जो नोटिस लगी उसमें एड्रेस भी दिया गया था कि फला जगह आकर के पैसे दो। हाँ, तो इस तरीके से दोबारा अच्छा चोर और तो नहीं आए इस गांव में? चोर आए रहे, आए थे। हाँ, रात भर जागना भी पड़ता? हाँ, रात भर सबको पूरा गांव जागे। हाँ, तो पहरा देना पड़ रहा है रात भर? रात भर जाके पर्वत भरते हैं सबको, पूरा गांव। पुलिस आई थी कि नहीं आई थी? पुलिस के यहाँ थाने तक हम लोग गए ना, लेकिन कप्तान कहे नहीं, हम पुलिस भेज रहे ना, पुलिस वाले ने कोई सुनवाई नहीं की, आई बाई नहीं की, पुलिस नहीं आती है। 100 नंबर जब पहले नोटिस लगी थी तो 100 नंबर आई रहा, प्रधान आ रहा, नोटिस फारे ले चले गए रहा, बस दोबारा यहाँ पे पुलिस नहीं आई। जब दोबारा में लगी है नोटिस तो हमारे गांव के 7-8 लोग थाने के यहाँ गए, एप्लीकेशन दें, लेकिन वहाँ कुछ नहीं सुनागा। रात में पहरा दिया है, मगर कोई अभी नहीं की रात में है, हम रात भर अपने गांव में जगा कर, पूरे गांव के लोग रात भर जागना पड़ता है। रात भर जागे सब कुछ। एक ऐसा माहौल बन गया है कि किसी भी गांव में रात में अगर पहुंचेंगे तो पूरे गांव के लोग जागते हुए नजर आएंगे। क्या इससे पहले आप लोगों को रात भर पहरा लगाना पड़ता था? नहीं, पहले एक चक्कर भवा है, पहले एक चक्कर का भवा था, बहुत साल पहले भवा रहा है, 2014 में या 13 में ऐसा कुछ रहा, पहले भवा रहा, लेकिन उसके बाद जो है बिल्कुल शांति के साथ रात में आराम से सोते थे। फिर ऐसा माहौल हो गया है कि रात भर लोग पहरा देते हैं और कहीं ना कहीं जो है चोर नोटिस लगा जाते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं और उसमें दोबारा नोटिस फिर लगाई जाती है रघुवापुर गांव में, और फिर जो है उसमें डिटेल एड्रेस भी दिया जाता है कि फला जगह आइए और यहां पर पैसे दे करके जाइए। भैया क्या माहौल है इस गाँव का, रात में जागना पड़ता है आप लोग? जी, इस पूरी रात, पूरा नाइट, पूरा नाइट। डर नहीं लग रहा है? नहीं डर मेरे को, रात में आ जाए चोर तो आ गया है तो क्या मुकाबला करेंगे, क्योंकि इस तरीके से पैसे की डिमांड की है। तो दोबारा अगर एड्रेस बताया तो क्या वहाँ पे आप लोग मतलब पुलिस को सूचना दिए कि फला जगह पैसे मांग रहे हैं? पुलिस को सूचना तो देंगे लेकिन हम लोग पैसा नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, नहीं देंगे। अगर कोई घटना कर दिया तो क्या करेंगे? ऐसे घटना कर भी नहीं सकता क्योंकि हम लोग पूरा नाइट जागते रहते हैं ना, ऐसे कैसे घटना हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होगा। डर का माहौल सा बना हुआ है गाँव में? हाँ, डर तो लगता है। ये गांव काफी छोटा है कि बड़ा है गांव? नहीं, काफी बड़ा है, तो पूरा गांव है। डर का माहौल है और देखिए यहां पे जो है
क्या नाम है आपका? हमारा शंभू नाम है सर। चोर नोटिस लगा रहे हैं बराबर गांव में। हाँ जी सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे अधिकारियों से? हम क्या कहना चाहते हैं साहब, यहाँ जो गांव लूट जाएगा हाँ। तब क्या करेंगे हम लोग बताओ? सारी रात सब लड़के बच्चे लेके किनारे गांव के पहुँचते बैठते हैं हाँ। और ना कोई सुनवाई थे यहाँ पे, ना कोई हमारे पास लाठी के अलावा डंडे के अलावा और क्या है यहाँ। तो क्या पुलिस वाले आए थे कि नहीं आए थे? पुलिस वाले एक दिन आए थे। आए थे, क्या कह के गए हैं? क्या कह के गए के क्या वो कहने जागो और का हाँ। जागा जाते तो पुलिस आती है बताती है रात भर पहरा लगाओ। हाँ एक दिन आए रहे फिर हाँ। फिर तो आए नहीं दोबारा। अच्छा 7 लाख रुपए की डिमांड किए थे, तो क्या 7 लाख रुपए आप लोग मतलब तैयार रखे हैं? तैयार रखे हैं, यहाँ कहाँ रुपया धरा है जो बिरवा लाख उनका हालांकि भोसड़ी वाले हम दे दिया आप जाए हाँ आओ का उनका लगातार जो है चोर नोटिस लगा रहे हैं। अच्छा इससे पहले क्या ऐसी घटनाएं होती थी? नहीं पहले घटना ऐसी नहीं रहा है, घटना या बहन हो गई है करीब 1 महीना से लगभग हो रही। एक महीने में अगर देखा जाए तो दर्जनों गांव में नोटिस लग गई हो, और ये गांव रघवापुर है और इसमें दोबारा नोटिस भी लगी। दोबारा लगी, एक यहां पे लगी, एक गैरेज है यहां पे लगी, साइन बोर्ड लगा और फिर आगे साइन बोर्ड लगा उसमें लगी दोबारा। पहले नोटिस लगी थी तो पैसे की डिमांड थी, लेकिन दोबारा जो नोटिस लगी उसमें जो है एड्रेस भी लिखा था कि यहां पे दे जाइए। यहां पे दे जाओ। कहां पे एड्रेस लिखा था मतलब? अब हम पढ़े नहीं है, महमूदाबाद नेशनल मैया बतावत रहे कहीं नहीं दे जाए। नेशनल हॉस्पिटल महमूदाबाद वहाँ पे बताया कि 7 लाख रुपए दे जाइए, तो उसमें कोई मोबाइल नंबर वगैरह लिखा था? लिखा हुई जरूर, मोबाइल नंबर वगैरह भी लिखा था क्या? उसमें मोबाइल नंबर नहीं था। नंबर नहीं था? नहीं नहीं, सिर्फ एड्रेस बताया था। तो अब देखिए कि चोर जो है बता जाते हैं कि फला जगाइए और पैसे देके जाइए। ये गरीब और मजदूर किसान लोग हैं, ये 7 लाख रुपए कहां से इकट्ठा करेंगे और फिर चोरों को देंगे? रात भर ये लोग पहरा लगाते हैं, जागना पड़ता है। आप लोग भी जाग... लड़का ना 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 सब कोई भाई जागत है का? गरीब आदमी हम पंचान 7 लाख कहाँ से न दी? खेत बेच के हैं, अब नहीं बिगा दू बिगा खेत हुए तो इनका बेच के दे पूरा तो नहीं लग गई बिगा दू बिगा में है। आप लोग भी रात में जगते हैं? सब कोई जागा, नान नान लड़का जब जागा तो आफत मच जाते हैं हाँ। है तो लड़का नहीं जगी है कि हम पंच नहीं जागे, सब कोई जागी हाँ। पुलिस नहीं आई दोबारा? पुलिस आई नहीं, जौन वही कि ना दिन का तो कागज हम नोचिक बहाए दी पुलिस वाले हाँ। है अप्लीकेशन दे गए उनका आवक नहीं रहा, जब आवक नहीं रहा तो कागज का है नोचिक बहाई न उनका खुद ही मालूम देते है। कोई कोई बात है थाने से नहीं मिली है, थाने से मिले हैं ऐसा भी प्रतीत हो रहा है लोगों को। तो गरीब दुखिया रहे या देखा है ना उत्ते कहते यार हाँ एप्लीकेशन दी तब हो तो आवक रहा उनका है या दुखिया लगौती है फिर तब हो तो आए नहीं लगावे उनका उनका खुद ऐसे है उनका नुआचक नहीं रहा कागज पत्र कुछ। आप लोग गए थे थाने में भी एप्लीकेशन देने गए थे? हाँ गए रहा दे तब हो तो आए नहीं पुलिस वाले रहा तो उनका कागज नहीं नोचक रहा दुई ख्या रहा। अब तुम सबको आए रहो तो पढ़ती हूँ मैं, देखती हूँ सब कोई जो कोई आवा तो कोई पढ़ती लिखती हूँ मैं। लगातार चोरों का खौफ है और अभी आज ही जो है भरथर गांव में नोटिस लगी थी और तुरसेना में लगी, कई गांव है रामाभारी गांव में लगी और ऐसे ऐसे नोटिस में लिखा गया है कि 2 लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है रामाभारी गांव में। और भरथर में जो नोटिस लगी है उसमें बच्चे को सलामती के लिए भी लिखा गया है और 8 लाख रुपए की डिमांड की गई है, लेकिन यहाँ पे 7 लाख रुपए की डिमांड थी और दोबारा नोटिस में बताया गया कि नेशनल हॉस्पिटल महमूदाबाद आकर के मिलो और 7 लाख रुपए दे जाओ। गरीब किसान मजदूर है, 7 लाख रुपए कहां से इकट्ठा करेगा? लेकिन पुलिस जो है बेखौफ बिल्कुल शांति व्यवस्था बनाए हुए बिल्कुल आराम से बैठ रही सो रही है, गांव वालों से कहती है कि रात भर जागिए और पहरा लगाइए। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि मटमैला गैंग के द्वारा जो नोटिस लगाई जाती है काफी सक्रिय नजर आ रहा है और पुलिस ऐसा लग रहा है कि पुलिस खुद डर रही है मटमैला गैंग से, चोरों से खुद डर रही है पुलिस। पुलिस गरीबों को परेशान करने में पुलिस आगे है और पीड़ितों को परेशान करने में आगे है, न्याय ना मिले 10 बार चक्कर लगाने पड़ते।